एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। एक तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ 33 दिनों से हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब इस आंदोलन का असर उन किसानों पर पड़ने लगा है जो अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते फिरोजाबाद में शिमला मिर्च उगाने वाले किसानों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 3500 रुपए क्विंटल तक बिकने वाली शिमला मिर्च इन दिनों 1500 रुपए क्विंटल तक जा पहुंची है। फिरोजाबाद में करीब 3000 किसान 6000 हेक्टेयर में शिमला मिर्च की खेती करते हैं, लेकिन इस बार आंदोलन की वजह से किसान फसल नहीं बेच पा रहे हैं और फसल की कीमत लगातार गिरती जा रही है, जिसके लिए फिरोजाबाद के किसान दिल्ली में सड़क जाम करके बैठे किसानों को जिम्मेदार बता रहे हैं। रायबरेली में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से सैकड़ों किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। माइनर कटने से लगभग 200 बीघा फसल बर्बाद हो गई, सारी फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग को सूचना भी दी, लेकिन मौके पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंचे, जिसके बाद खुद ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद कटे हुए माइनर को बंद करने का प्रयास शुरू किया और घंटों के बाद माइनर को बंद किया। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।